रविवार की शाम इनेलो प्रदेश अध्यक्ष एवं बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ के गांव बराही में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी उनके रास्ते में एक फाटक आया और मौका देखकर हमलावरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। आइए नजर डालते हैं नफे सिंह हत्याकांड के इन आखिरी 15 मिनटों पर। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष एवं बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की रविवार शाम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। अंधाधुंध फायरिंग में एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि उनके निजी सुरक्षा और गाड़ी चालक जख्मी हो गए। बहादुरगढ़ से करीब 3 किलोमीटर दूर सांखोल बराही मार्ग की रेलवे क्रॉसिंग पर यह वारदात शाम 5 बजे आसपास हुई। उस समय फाटक बंद था और पूर्व विधायक की गाड़ी वहीं पर खड़ी थी, तभी पीछे से आए 4-5 हमलावरों ने पूर्व विधायक को निशाना बनाकर 25 राउंड से ज्यादा फायर किए। इनमें पूर्व विधायक को गर्दन सीने समेत कई जगह गोली लगी। पिछली सीट पर बैठे कार्यकर्ता जय किशन दलाल, सुरक्षाकर्मी संजीत और चालक संजय भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने हमलावरों की वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन पर भी हमलावरों ने फायर किए, मगर वो बच गए। आखिरी 15 मिनट में क्या क्या हुआ? इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ के एक गांव बराही में रविवार शाम 4 बजे रसम क्रिया में गए थे। इसके बाद वो शाम 4:45 पे बहादुरगढ़ से लौट रहे थे। इसके बाद 5:05 पर 15 मिनट में जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। 5 बजे पूर्व विधायक नफे सिंह की गाड़ी रविवार शाम करीब 5 बजे सांखोल ब्राही मार्ग के रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचती है। फाटक बंद होने के कारण गाड़ी वहीं रुकती है 5:10 पर। इसके बाद हमलावरों की I-20 गाड़ी आई। हमलावर उतरकर नफे सिंह की गाड़ी के पास आए। 5:12 पर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हमलावरों ने नफे सिंह के करीब आकर गोलियां मारी। 5:15 पर हमलावर जब वारदात को अंजाम देकर गाड़ी की तरफ लपके तो आसपास मौजूद लोगों ने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की। फिर हमलावरों ने लोगों के पास अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमलावरों को भागने के बाद क्या हुआ? इसके बाद जब हमलावर वहां से भाग निकले तो आम लोगों ने पूर्व विधायक और अन्य लोगों को संभाला। चालक बुरी तरह से जख्मी था। ऐसे में मौके पर खड़े एक दूधिया ने चालक को उतार कर पिछली सीट पर बैठा और फिर मौके से खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल ले आया। यहां डॉक्टरों ने पूर्व विधायक नफे सिंह और जय किशन दलाल को बचाने की कोशिश की। काफी देर तक CPI दिया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। पूर्व विधायक को प्राथमिक जांच में 5 से 6 गोली पेट, गर्दन और सीने में लगने की बात सामने आई है। टीम जे इन्फो।